हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग हजारों फीट ऊंचे से जो है ऊंचे पे पहुंच चुके हैं पहाड़ों पे, और ये त्रिशूली नदी है जो अभी हम आपको दिखाने वाले हैं, और इसका भी बोर्ड भी लगा हुआ है त्रिशूली बीच रिसोर्ट करके। और ये आप देख सकते हो कि पहाड़ के ऊपर ये त्रिशूली बीच रिसोर्ट बना है। हम अभी कोशिश कर रहे हैं वहीं जाने के लिए, और आपको पूरा दिखा रहे हैं, कोई वीडियो देख छोड़ के नहीं जाना। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और हमारा अगला वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कीजिए। थैंक यू। ये देखिए त्रिशूली बीच रिसोर्ट, ये बोर्ड लगा हुआ है। ये काठमांडू के करीब, काठमांडू से पहले है। इस जगह का नाम बलछी है। ये देखिए त्रिशूली बीच है और ये पहाड़। हालांकि हम लोग जो खड़े हैं ये भी पहाड़ ही है, पूरा पहाड़ पे ये है। हम लोग पहाड़ पे हैं और हजारों फीट ऊंचे आ चुके हैं। अभी रिसोर्ट का बोर्ड देख के रिसोर्ट की तरफ हम लोग जा रहे हैं। कैसा है देखते हैं, क्या है बीच रिसोर्ट। अभी ऊंचाई ही ऊंचाई है, हम लोग हजारों फीट ऊंचे हैं पहाड़ पे। ये पहाड़ एरिया है टोटल, काठमांडू से लगभग 50 किलोमीटर दूर पे है। इस जगह का नाम बलछी, बलछी है, बलछी धादी है ना, गलछी गलछी धादी धादिंग, हाँ गलछी धादिंग, धादिंग एरिया का नाम है। मतलब ये इलाका धादिंग है और इस एरिया का नाम बलछी है। ये देखिए नीचे गाड़ियाँ जा रही हैं, पहाड़ पे हैं हम लोग, और जो सड़क है ये भी पहाड़ पे ही है, लेकिन हम लोग और ऊंचे पे हैं। ये चारों तरफ पहाड़ हैं, काफ़ी खूबसूरत लगता है यहाँ पे। और हमारे साथ नईम भाई हैं, आगे आगे भाग रहे हैं, इनको शायद थका नहीं लग रहा है। वीडियो स्किप मत करना दोस्तों, हम अपनी तरफ से ज़्यादा अच्छा दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए नीचे सड़क, जहाँ पे हम खड़े हैं ये भी बहुत ख़तरनाक जगह है, अगर ज़रा सा स्लिप कर गए। ये देखिए तो सीधे नीचे जाएंगे, लेकिन आपको अच्छा दिखाने के लिए मुझे ज़्यादा से ज़्यादा किनारे जाना पड़ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक ये रोड गया है इधर, ये इधर एक रोड गया है, ये भी किधर गया है, लेकिन हम लोग उधर नहीं जाके इधर सीधे चलते हैं ऊंचाई की तरफ, देखते हैं। ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा है यहाँ से। हमारे नईम भाई बहुत परेशान है, किनारे मत जाओ कह रहे हैं, डांट रहे हैं हमको दूर से, गिर जाओगे कह रहे हैं।
लेकिन आपको दिखाने के लिए हमको तो किनारे आना ही पड़ेगा। खैर चलिए आगे देखते हैं। एक एरो बना हुआ है, किस चीज़ का वो इशारा कर रहा है एरो। ये देखिए शायद ऊपर की तरफ बस्ती है, लेकिन हमको इधर नहीं जाके इस ये जो एरो हमको दिखा रहा है इधर जाने के लिए बता रहा है, इधर जाते हैं। ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा है दोस्तों, और बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ घूमने में। थकाई तो बहुत लग रहा है पहाड़ चढ़ चढ़ के। ये नईम भाई फ़ोटो खिंचाने के बहुत शौकीन है बेचारे, और ये नहीं जानते हैं कि वीडियो है ये, फ़ोटो नहीं है। जेब में हाथ डाल के मत रखो, चलते फिरते नज़ारा हो। ये देखो दोस्तों ऊपर से नीचे की तरफ, वो नीचे कोई ज़मीन भी नहीं है, पहाड़ पे है वो भी। ये टोटल पहाड़ है, कहीं पे ऊंचा कहीं पे नीचा, बस वही है। काफ़ी ऊंचाई पे पहुंच चुके हैं, और ये जिस पहाड़ पे हैं उस पहाड़ का चोटी है। पहाड़ की चोटियों पे इस वक्त हम लोग चल रहे हैं। ये देखिए, ये चलने के लिए थोड़ा सा सड़क यहाँ तक बना हुआ है, और उसके बाद ये देखिए खाई है। ज़रा सा चूके कि नीचे गए, ख़त्म कहानी। लेकिन काफ़ी खूबसूरत लग रहा है यहाँ पे, अच्छा भी लग रहा है खड़े होते हुए। ये उतारने के लिए पहाड़ पे जो भी जीना जैसा बनाया हुआ है देख सकते हैं आप। ये स्टेप बाय स्टेप जीने से उतर के नीचे भी जा सकते हैं रोड पे। खैर कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। वाओ दोस्तों, फिल्मों में देखा करते थे ऐसा सीन, ऐसा नज़ारा, आज वो सपना पूरा कर रहा हूँ मैं हकीकत में। वाह बहुत खूबसूरत नज़ारा है दोस्त। देख सकते हो आप लोग चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है, और एक इधर पहाड़ पे ये देखिए घर बना हुआ है। घर नहीं है ये, कोई ऐसा नेपाल सरकार शहरी विकास मंत्रालय, शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, नया शहर आयोजना कार्यालय, बरैनी गलछी बादिंग धादिंग है। ये गलछी धादिंग, बरैनी गलछी धादिंग। आइए चलते हैं। आओ नईम भाई, आओ आओ आओ, नो प्रॉब्लम। अरे नो प्रॉब्लम यार, क्यों डरते हो? आए क्यों नहीं यार, जो भी होगा देखेंगे, नहीं होगा लौट के आएंगे। क्या करने आए हैं यहाँ पे हमारे नईम भाई? ये देखिए नईम भाई हमारे बहुत परेशान किए हुए हैं। एक तो हमको किनारे नहीं जाने दे रहे हैं, किनारे नहीं जाएंगे हम तो वीडियो कैसे शूट करेंगे। ये देखो दोस्तों बहुत खूबसूरत नज़ारा है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट करो, और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मेरे अपलोड करने के साथ ही मिल सके।
मैं वीडियो अपलोड करूं और उसका नोटिफिकेशन आपको फौरन मिले, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर दो। बात करो ना, मिसकाल आ गया तो हम हुए हैं। चलो तो चलो, कह दो तो आ रहे हैं, कह दो ना। माल हो गया यार, घर का देख लिया, परेशान कर रखा है ये हमारे नईम भाई ने। ये देखो ऊपर की चढ़प, इधर सड़क से ऊपर चढ़ के देखते हैं, जाने नहीं दे रहे हैं नईम भाई। चलो चलो करें, चढ़ के देखते हैं कैसा दिखता है यहाँ से। ये देखो चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है। ऐसा नज़ारा देखने को बहुत कम मिलता है। और नईम भाई इसका जो है नईम भाई बहुत मस्त लग रहा है। और रिसोर्ट कहाँ पर, कहाँ से मैं पूछ सर, रिसोर्ट कहाँ से मैं पूछ। यो हमरो यही एरिया को एक जना साथी बैठाने हुआ था, एक लोग भेज मिले हैं इसी एरिया के, तो इनसे पूछते हैं। हजुर हमने बोर्ड हेरा इनके माथि जो बोर्ड लागे छ, यो रिसोर्ट त्रिशुली रिसोर्ट को बोर्ड लागे छ नि। ए त्रिशुली रिसोर्ट यो हरियो भन्नु कि अब यता जाँदाखेरि यही बाटो जानु पर्छ, यता छैन ब्यारिली बाटो छैन होइन, त्रिशुली रिसोर्ट चाहिँ यही गइरहनु पर्छ। ए कति कति टाढा होला, हिँड्दै जाने भयो यसरी जाँदा राम्रो हुन्छ, एउटा पक्की पुल छ हजुर, त्यहाँ पक्की पुल तर्फ फेरि यस्तै बाटो छ, अनि त्यस्तै गयो भने बगर रिसोर्ट पुग्छ, अर्को पुल तर्छ यहाँ। ए कस्तो पुल छ, झुलाङ्गे छ कि यहाँ पक्की पुल छ हजुर, अनि त्यहाँबाट पक्की पुल तर त्यसै जाने नदी किनार किनार हजुर, अनि ठ्याक्कै उहाँ एउटा पक्की पुल आउँछ हजुर, अनि पक्की पुल तर्ने बित्तिकै रिसोर्ट यहाँनिर पर्छ। ए ल ल सर, थ्याङ्क यू सर। ये बता रहे हैं कि यहाँ से आगे निकल के और एक पुल है पक्की, उस पुल से जाके मतलब इनके बाद से ये जाहिर हुआ कि अभी रिसोर्ट बहुत दूर है, तो देखते हैं कौन सा पुल है। उसके बाद अगला वीडियो में हम आपको इंशाल्लाह रिसोर्ट भी दिखाएंगे। चलिए हम लोग बहुत थक चुके हैं दोस्तों, कल इसके आगे आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह, अगर यहाँ रहे तो। अब यहाँ से निकलने वाले हैं काठमांडू की तरफ, अब यहाँ से वापस चल रहे हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करो, बहुत मेहनत करना पड़ता है दोस्तों ब्लॉग बनाने के लिए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, हमारा हौसला बुलंद होगा। और आगे अभी काठमांडू जाने वाले हैं, काठमांडू से भी काठमांडू लगभग पहाड़ के लास्ट में मतलब चोटी पे सबसे ऊंचाई पे पड़ता है बता रहे हैं। मैं तो अभी काठमांडू गया नहीं हूँ, पहली बार जा रहा हूँ, तो अभी ये जो गलची एरिया है यहाँ तक हम लोग पैदल आए हैं, लगभग 60 किलोमीटर चल के यहाँ तक पैदल आए हैं, और आगे भी पैदल ही जाना है, पहाड़ी पहाड़ ऐसे ही काठमांडू तक पहुँचना है। तो आप लोग हमारा हौसला बुलंद करने के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और कैसा लगा ये ब्लॉग कमेंट भी कीजिए, और अगर चैनल मेरा पसंद आया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, चैनल को ऑल पे सेलेक्ट करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच चुके। थैंक यू।